हेलो एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं द कैमरा स्टोरी। और हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। अभी मैं बिल्कुल घर वाली हालत में ऑफिस आई हूँ, क्योंकि आज मेरा प्लान है ऑफिस साफ करने का अपना। में बहुत कम टाइम है, क्योंकि अभी धनतेरस वाली शॉपिंग करनी है, घर में भी मुझे थोड़ी सी चीज़ें रीअरेंज करनी है, और आज हमारी सोसाइटी का इवेंट है। मम्मी का भी फ़ोन आया कि वीर को फीवर है, तो अभी मेरा मन है उसको लेके जाने का, बाकी शाम को देखते हैं कि क्या होता है। और अभी बस मैं सफाई स्टार्ट करने जा रही हूँ। तक जो बहुत ही ज़रूरी वाली सफाई थी वो निपट गई है, अब इसके बाद टाइम नहीं बचा है और अब मैं घर जा रही हूँ। अभी नौ रास्ते में मुझे लेने के लिए मुझे सफाई में मिला है आज ये सिक्का। एक ये सिक्का क्या है, क्योंकि इसमें ना कोई करेंसी नहीं लिखी है। मैंने एक सा डायनासोर खरीदी है और हम लोग घर अब जा रहे हैं, बस वीर को तैयार करेंगे। और पीछे कई दिनों से मैं बहुत एक्साइटेड थी आज के हमारे सोसाइटी वाले इवेंट के लिए। मैं ऐसे ही वीर के साथ खेल रही थी, बहुत उल्टी हुई उसको, बहुत तबीयत खराब हो गई उसकी, पूरी एनर्जी उसकी चली गई पूरी बॉडी की, और वो सो गया। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो दिवाली में अच्छा रहेगा। बाकी आज का इवेंट पूरा मिस हो गया है। ड्रेस वगैरह अपना सब कुछ रेडी किया था, मगर सारे प्लान की लंका लग चुकी है। ऐसे रोड साइड जब हम लोग कहीं जाते हैं, कुछ भी होता है तो हम मांगते हैं ये लोग, तो उनको हम उनको दे सकते हैं, और पैसे देना मुझे ठीक नहीं लगता। दिवाली वाला दिन मेरा आधा दिन ट्रैवल करते जाता है, क्योंकि हमारे दो ऑफिसेज हैं, हम दोनों जगह जाते हैं, घर भी और कुछ कुछ कभी फ्रेंड्स वगैरह के जाना होता है। तो उस टाइम पे ना रोड पे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कुछ हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और उस दिन तो लगता है कि आज तो देना बनता है। तो अभी मैंने ना छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट मंगवाए, तो मैं दिवाली के लिए ये प्लान कर रही हूँ कि जो भी ऐसा कुछ भी होगा रास्ते में, तो हम उनको वो बिस्किट के पैकेट दे सकते हैं, कि कुछ तो अच्छा, कुछ तो मीठा होना ही चाहिए, दिवाली है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली आप सभी को। आज हम लोग अभी बस ऑलमोस्ट सुबह की सारी तैयारियां हो गई हैं, और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस। ऑफिस में पूजा करेंगे, तो उसके बाद ग्रेटर नोएडा जाएंगे, वहाँ वाले ऑफिस में, वहाँ हमारा एक बॉयज़ पीजी है, वहाँ पे हम पूजा करेंगे, और उसके बाद घर पे आके रंगोली बनानी है, बाकी सारे डेकोरेशन कम्प्लीट करने हैं। पूरी रेडी हो गई हूँ, मैंने बस इयररिंग्स नहीं पहने, क्योंकि मेरे इयररिंग्स रह गए स्टूडियो में, तो मैं स्टूडियो जाऊँगी और फिर मैं इयररिंग्स पहनूँगी, फिर मेरा आज का लुक कम्प्लीट होगा। तो अभी बस मैं एक बार फटाफट सारी चीज़ें चेक करूँगी कि कुछ भी मैं भूल तो नहीं गई हूँ। पूजा का जो सामान हमें लेके जाना है वो देखूंगी एक बार, और फिर मिलती हूँ आपसे सीधे ऑफिस में। ऑफिस वाली पूजा कंप्लीट हो गई, और अब हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, और वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको हमें गिफ्ट देने हैं और मिठाइयाँ देनी है। तो अभी ना फटाफट अभी मिठाई खरीदने गए उन लोगों के लिए, और बस फिर उसके बाद फटाफट पहुँचते हैं ग्रेटर नोएडा। हम पीजी पहुंच गए और अब यहाँ पे जा रहे हैं पूजा करने। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बनवाया अभी इन्होंने, जो काफ़ी टाइम से बन रहा था, और आज मैं फर्स्ट टाइम ये देखूँगी। ये अदरक हो रही है? हाँ। ये है तुम्हारा रुद्राक्ष का पेड़, खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, लगा रहे ना, सुंदर। जैस्मिन, ये बेला हो गया। अच्छा, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं एक साथ, प्यारे लग रहा है। वो देखो, बटरफ्लाई बैठी है। आम्रपाली मैंगो। अच्छा, इसमें आम निकलेगा? हाँ। टमाटर, ये नींबू बिना कांटे वाले। झुमके कैसे लग रहे हैं मेरे? इतने प्यारे मेरे झुमके गिर रह गए थे ऑफिस में, तो सुबह मैं कुछ पहने ही नहीं था।
मेरा मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और अच्छा हो गया, क्योंकि अभी पापा का फ़ोन आया था घर से और पापा कह रहे थे वीर की तबीयत काफ़ी बेटर है पहले से, मेरी दिवाली बन गई है इस बात से। हमारा घर जाने के प्लान में थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि रास्ते में मुझे दिखी नर्सरी और हमने प्लान किया कि हम कुछ पौधे ले लेते हैं। थैंक यू दीदी, साइज काफी छोटा है इस पर पूछे। दीदी इतने छोटे क्यों हैं? दीदी इतने छोटा क्यों है? तो बिल्कुल आधा है, पर मजेदार है। मैं घर पहुंच गई हूँ और घर पे मैंने मस्त चावल के आटे की पूड़ी खाई। मुझे चावल के आटे की पूड़ी बहुत पसंद है और वीर बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह की मैमी 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 कर रहा है, तो अभी मुझे मज़े आ रहे हैं कि अभी शाम को ये एंजॉय करेगा। और यस, तो अभी मैं और वीर मिलके जा रहे हैं दिवाली की रंगोली बनाने। हाँ बेटू, और चलो फिर मिलते हैं रंगोली बनाने के टाइम पे। रंगोली बन गई और मम्मी ने भी सारी तैयारियाँ कर ली हैं पूजा के लिए। मैं तैयार हो गई हूँ शाम को पूजा वाली साड़ी पहन के। अभी वीर बचा है, बस उसको रेडी करने जा रही हूँ और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। ये वाले इयररिंग्स मुझे अभिनव ने करवा चौथ पे दिए थे। तो ऐसी रही मेरी बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्यारी सी दिवाली इस बार की। खुशी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है जब आपके आसपास के लोग खुश ना हो, और अपना दुख गायब हो जाता है जब अपने आसपास के लोग खुश हो। तो इस बार की दिवाली ऐसी ही थी और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगी। मेरे एसेंशियल कामों में एक काम यह है कि कल एक बेबी शूट होना है जिसके लिए मुझे बैटरी चार्जिंग पे लगानी है। तो बस इस वीडियो को करती हूँ मैं वाइंड अप और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।